हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा चैनल जो है वह जेंडर प्रेडिक्शन को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला लक्षण। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि अगर से उन्हें वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा जाता है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकती है कि आपके गर्भ में जो पल रहा है शिशु है वो पुत्र है। ये जब होता है अगर से आपका 1 से लेकर 3 महीने तक आपका वाइट डिस्चार्ज जाता है और जो है इसकी ज़्यादा ही समस्या होती है, तो प्लीज़ हॉस्पिटल में जाके ज़रूर बताएं और अपना इलाज ज़रूर कराएं। और चलिए हम देखते हैं अगला लक्षण। इससे पहले गाइज, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला लक्षण। ऐसा माना जाता है कि अगर से आपकी पहली प्रेगनेंसी जो है वो अमावस्या के टाइम पर आती है, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि लड़का होने का आप अनुभव कर सकती है, आपको बेटा हो सकता है। तो फ्रेंड, अगर से आपकी अमावस्या के टाइम डिलीवरी आ रही, तो आप अनुमान लगा सकती है कि आपके घर में जो पल रहा शिशु है वह एक पुत्र है, आपका एक बेटा होने वाला है। और फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी डिलीवरी अमावस्या के टाइम पर आ रही है या फिर पूर्णिमा के टाइम पर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड, ये तीसरा और आखिरी लक्षण। अगर से आप प्रेगनेंसी के टाइम पर सपने में अनुभव करती है कि आपको बेबी गर्ल दिख रही है, आपको सपने में लड़की दिख रही है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकती है कि आपके गर्भ में जो पल रही शिशु है वो एक पुत्र है, आपको एक बेटा होने वाला है। आप इस तरह का अनुमान लगा सकती है। अगर से आपको बेबी गर्ल दिखती, किसी भी प्रकार से दिखो, खेलते हुए दिखो या फिर आपके साथ उसे कहीं ले जा रही है, आपको सपने में किसी प्रकार से भी बेबी गर्ल दिख रही है, तो आप अनुमान लगा सकती है कि आपके घर में जो पल रहा शिशु है वो एक पुत्र है, आपको एक बेटा होने वाला है। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे हमारे वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे और आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे।